व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, आरजी हियर, मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए लेके एक और वीडियो। लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा दो, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के लाइन अप है। और गाइस, फुकरा की वड़ा पाव वाली गर्ल के ऊपर वीडियो आई है, रिएक्शन वीडियो ही है, तो अपन रिएक्शन पर रिएक्शन करते हैं आज। मजा आएगा, मजा नहीं आएगा ब्रो, बहुत मजा आएगा, मजा और आएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। सब्सक्राइब कर लो। सो यहाँ पे कैसे शुरू करते होते हैं? ऑलराइट गाइस, ऐसे है ना। Alright, so what's up? Welcome back to our channel and yes, back to back we are coming with videos. अब तुम्हार को हमने YouTube पर अब खुशियाँ दे दी जीवन भर की। क्यों? क्योंकि भाई Timeless Love album आने वाली, हमारी first ever album, बहुत अभी तक ये नहीं पता कि हम गाना गाते हैं। तो अगर तुम्हें नहीं पता तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि genuine बता रहा हूँ, हमारे गाने वायरल हो रहे हैं। तुम मेरे टू बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, दिन तेरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, 3-3 million, 7-7 million होने वाले हैं Spotify पे। तो yes guys, it's a W, W for our audience. And आओ आज देखते हैं memes, तो timeless love के लिए wait करो। April में आई know थोड़ा late हो गया, but you know थोड़ी condition हो गई थी family में, but yes अब सब कुछ on time। हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो भी बोलता है उसको army उठा के ले जाती है, और ये ना मुझे भी ले जाए। नहीं नहीं यार, भाई बाजी थोड़ा ध्यान से बोलिए यार, आप you know, फिर आपके साथ स्पेस में कौन आएगा? अरे नहीं नहीं यार, लाइबा जी स्पेस में तो आ जाएंगे 1000 लोग यार, आपके घर पे भी कोई रहना चाहिए कि नहीं? कोई है आपके भाई बहन स्पेस में? स्पेस में नहीं यार, लाइफ में यार, स्पेस के बाहर भी। लाइफ में किधर? गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड नहीं है, भाई बहन को गर्लफ्रेंड कौन मारता? अच्छा हाँ, आई मीन ऐसा मैं राइट ना भाई। ओ भाई, अरे अरे, बाउंड्री लाइन पर पकड़े गए यूसुफ पठान, पर वो फ्री हिट है, फ्री हिट है, सो द विकेट विल नॉट काउंट। अरे भाई बोल दे, अरे फ्री हिट थी। मैंने इतनी मेहनत करी, इतना क्रिकेट प्रैक्टिस करा, और मैं जब वहाँ गया खेलने सेलिब्रिटीज के साथ में, तो पहली बॉल पे आउट हो गया। तो अरे भैया कोई नहीं, आप चाहते हो एक क्रिकेट मैच करना तो मुझे बता देना, लेट्स डू अ क्रिकेट मैच, आपकी टीम वर्सेस मेरी टीम। मैं अभी बहुत अच्छा खेल के आऊ भाई, जबकि तुम्हें पता है भारत सब पहले फुकरे की टीम में तो मैं भी खेलूंगा। नहीं यार, फ्लाइंग बीस्ट के साथ भी प्यार है, बट कोई नहीं, खेल लेंगे। बैटिंग करने से डर रहे थे, मेरे को भेज दिया, और मैं भाई एकदम सामने से थगेश बोली कर, मैं कहा भाई इतने सारे कैमरे क्यों देख रहे हैं मेरे हाथ का, अपने 10 महीने बाद मेरे बैट पकड़ा। वैसे मैं रेगुलर खेलता था, बट अभी थोड़े टाइम से मैं खेलना बंद कर देता, बट एक शॉट मारेगा तुम्हारा भाई ने बोला ओपी बॉय, फुकरा भाई इन द चैट बॉयस। खाना कम पड़ गया है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अंबानी जी भी लाइक भाई फोटो वीडियो चाहिए थी, मेरा हो गया है, ये क्या हो रहा है? अपना खाना वापसी करो मेरे को, मैं इसको बेच के और पैसे। अरे ये रिवर्स कर रहे होंगे। बढ़िया वीडियो उल्टी थी, रिवाइंड में चला दी, जिसको हाँ, रिवर्स थी। सच में नहीं उठाया भाई, इसको क्या जरूरत है भाई, वो अंबानी है भाई। भाई नाग देवता बाहर आ जा, खाए तो इसे खाइयो, मुझे मत खाइयो। अरे यार डरा भी रहे यार, बोलो आने दो, आने दो बाहर। अरे यार तू सच में खोल रहा है यार, ऐसा हाथ कर, दिखा दे यार पहले यार, डर लग रहा है। बोलो मदारी, मदारी बोलो, मैं सांप नहीं पकड़ूंगा, नहीं पकड़ूंगा, बोलो मैं तुम्हारा पकड़ूंगा। अबे साले क्या है यार, वेरी नॉटी, वेरी नॉटी। कौन कह रहा है इनका भी आ गया लिंक प्लीज। अरे भाई सलमान भाई भी लाइक हमार को भी कोई उठा सकता है, ये फोटो ही है जिसमें अंबानी का बेटे ने गुद्दी पे हाथ रखा हुआ है भाई, वो फोटो जरूर डाल देना एडिटर भाई। कैसा जमाना आ गया भाई, सलमान भाई अपनी इज्जत वापसी बनाओ भाई। आदित्य एक बात बताओ, ये अंबानियों ने शादी में करण जौहर को क्यों नहीं बुलाया? वो तो शादी के बाद आए। विवाद हो जाए कर रहे, बवाल के लिए मोदी जी का सेक्रेटरी बना दिया जाए तो आप उनसे क्या करवाना चाहोगे? अगर मैं सेक्रेटरी हूँ तो वो मेरे से करवाएंगे ना, हो सकता है वो मुझे चाय बनाने को बोले ताकि वो नॉस्टैल्जिया फील कर सके, मतलब अलग। अगली बार मैं मोदी देश के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा, प्लीज मेरे चैनल को डिलीट मत करना, योर्स ट्रूली ध्रुव राठी। गलत घर में घुस गए क्यों? ये कहा है भाई, ये तो अपने को पता ही नहीं, बट कैरी ये आया था, मैंने किया रिएक्ट। भाई को भी कभी कभी ना देख लेना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं। अभी मैंने देखा एक ट्रेंड चल रहा था शेमलेस कैरी मिनाटी, तो मतलब मैंने भी जब वो वीडियो देखी ना कैरी भाई जब कोहली के बारे में बोले थे, तो भाई थोड़ा थोड़ा मेरे को लगता है कभी कभी ना रिस्पेक्ट से बोलना चाहिए, ये भी देख लेना चाहिए ना सामने वाला कौन है क्या है। आप लोगों को कपड़े भी बांटते हो? नहीं नहीं अंबानी मेरे 1 करोड़ रुपया दो। पागल है तू, पैसे कौन मांगता है? भगवान ने तो हाथ दिए, टाइम मिले तो इमीडिएट फैला लेना चाहिए हाथ आपको, क्या आपको पैसे की पैर भी दिए? हाँ पैर भी दिए। ज्यादा डैंक है आज के मीम्स, सुपर डैंक मीम्स। मैंने कुछ नहीं बोला, बहुत ज्यादा डैंक है भाई।
कल को इंस्टाग्राम ही नहीं रहा बॉस, क्या करोगे? इंस्टाग्राम नहीं है, एआई आ गया, हो सकता है प्रफुल्ल नहीं चाहिए। बैंकचोद इंस्टाग्राम आउट ऑफ सर्वर हो गया था, पता है तुम्हें अभी थोड़े दिन पहले? ये कितना बड़ा पनौती है रे। परत नहीं चाहिए यार। Bro, what? जैसे इंस्टाग्राम डाउन हुआ तो मुझे पता चल गया था कि प्रफुल्ल भाई ने कुछ ना कुछ बोला होगा इंस्टाग्राम के बारे में। देख 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 कैसे खुश हो रहा है हर्षल भाई। आपने छोड़ दिया? हाँ, ट्रैफिक में डाल दे गाड़ी। ऑटोमेटिक कार्स बिल्कुल अपनी माँ पे गया है। नाइस वन टाइमर भाई। अगर काले लोगों पे नमक डालेंगे तो उसे क्या कहेंगे? क्या? ब्लैक सॉल्ट पे नमक छिड़कना। तुझे पता है अफ्रीका में फार्मेसीज क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि खाली पेट दवाई नहीं खाते हैं। एक ब्लाइंड मैन और एक ऑर्फन में क्या सिमिलैरिटी है? क्या? दोनों ने अपने पेरेंट्स को नहीं देखा। हाँ? पेड़ से अगर एक पत्ता और एक कोटा स्टूडेंट साथ गिरे, ये क्या देख रहा है फुकरे? गिरे तो पहले क्या गिरेगा? क्या? पत्ता, क्योंकि कोटा स्टूडेंट तो लटक जाएगा। मैं पागल हो जाऊंगा। आयरन मैन और आयरन वुमन में क्या डिफरेंस है? क्या? आयरन मैन एक सुपर हीरो है और आयरन वुमन एक सिंपल कमांड है। हाँ? पता है मेरा एक ऑर्फन दोस्त खाना खाने रेस्टोरेंट गया था लेकिन वो वापस आ गया। क्यों? क्योंकि वो फैमिली रेस्टोरेंट था। ओ, बहुत डार्क हो रहा है भाई, बहुत ज्यादा। तुझे पता है डिसेबल लोगों की आर्मी को क्या कहेंगे? क्या? ये डार्क नहीं है, डिप्रेसिंग है मेरे भाई, नहीं बर्दाश्त हो रही है ये वीडियो। स्पेशल फोर्सेस भाई, ये आज तक का सबसे डार्क मीम था जो मैंने देखा है, आई स्वेयर। मेरे को ऐसा लगता है अब इससे भी ज्यादा क्या बुरा बोलने वाले हैं ये, और बुरा आता ही गया। नहीं, मेरे से नहीं होता नेगेटिव। 1500 का है। लाइफ इज टू शॉर्ट टू आर्ग्यू जस्ट से 1500 का है भाई, और निकल जाओ भाई। ये क्या भाई, मोदी जी भी लाइक मेरी मेलोनी को किसने हाथ लगाया? मेलोनी नहीं, मेलोडी है वो, और वो सिर्फ मेरी है। फाइटर प्लेन लेके आ गया। मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है भाई? बताओ भाई, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है भाइयों बहनों, बहन के सगो, मेरा मतलब भाइयों बहनों। भाई यार, कॉलेज का लास्ट दिन था, सबके आंखों में आंसू थे ना यार। भाई ये दिन ही ऐसा है, किसके आंख में आंसू नहीं आएंगे यार। अच्छा वैसे तेरा बैग कहाँ है? बोला तो कॉलेज का लास्ट दिन था। अच्छा हैं, क्या बोला? मतलब ये तो ये क्या था यार, मतलब समझा नहीं मैं। नहीं आएंगे यार। अच्छा वैसे तेरा बैग कहाँ है? बोला तो कॉलेज का लास्ट दिन था। अच्छा हैं, क्या बोला? ये तो ज्यादा डार्क हो गया भाई, ये म्यूजिक जो है ना, वो ये किसी भी चीज को, किसी भी एनवायरनमेंट को चेंज कर सकता है भाई। अच्छा खासा माहौल चल रहा था, बस ये हो और म्यूजिक डलता और ऐसा लगता है भाई क्या कर दिया, ये क्या होने वाला है। कानपुर गए इन मेट्रो, ये क्या है, निकालो भाई। ये क्या है, ये अलाउड नहीं है ऊपर मेट्रो में, अलाउड नहीं है ये। कहाँ वापस करूँ? अरे जिस दुकान से खरीदे उस दुकान से वापस करो जाके। ये नहीं, टोकन ले लेंगे वापस। प्राण जाए ना जाए पर जुबान केसरिया कभी ना वापसी। एग्जैक्टली, खुद का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मत करो भाई मत करो। मैं तो अभी आईबू के हेल्थ कैंप से आया हूँ, मैंने सोच लिया लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज होने का, मैं थोड़ा जल्दी सो रहा हूँ जल्दी। मेरे को लगा कहीं बोलेगा मैं अभी अभी हेल्थ कैंप से आया हूँ, मैं आज के बाद कभी गुटखा नहीं खाऊंगा, ये तो पहले ही नहीं खाता था। छूट रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा पी रहा हूँ, और मैं तुम्हें भी ये कहूंगा भाई, यही एक अच्छा रूटीन बनाओ, हेल्थी लाइफ चलाओ, क्योंकि जीवन से ऊपर कुछ नहीं होता यार। सलमान भी लाइक इसका तो करियर भी नहीं खा सकता। नहीं खा सकते सलमान भाई, इसका करियर तो बिल्कुल नहीं खा सकते। ये अनंत अंबानी का खिलौना, पापा आप इनका करियर खा सकते।
अबे पढ़ो तो सही, वो क्या लिख रहा है? करियर तो बिल्कुल नहीं खा सकते, ये आपका करियर जरूर खा सकते हैं। पापा मुझे सलमान के साथ खेलना है। आप इनका करियर खा सकते हैं। शायद इसलिए मम्मी फोन चलाने से मना करती थी। हाँ भाई, जिसने फोन चलाया उसका जिंदगी खराब हो गया। अब आरसीबी को सिर्फ अकाई कोहली ही जितवा सकता है भाई। विराट भाई जितवाओ यार, कम ऑन भाई, कब exactly. करेगा आरसीबी का यार। आई एक्चुअली वांट दिस ईयर आरसीबी टू विन। धोनी भाई को बहुत सपोर्ट कर लिया, वो कब जीत गए। रोहित भाई को सपोर्ट करा था, वो भी कब जीत गए। अब मैं भाई कोहली भाई को सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वो भी जीते। सिर्फ दिल कब तक जीतोगे वाला मतलब पड़ता है अराउंड 45-50 पर साशे। मैं जो खरीदती हूँ ब्लू टोकाई या यार इसका अलग ही बकचोदी चलता है ना, मैंने देखा है। अराउंड 45-50 शुगर वाली का पर साशे। मैं जो खरीदती हूँ ब्लू टोकाई या थर्ड वेव की, तो वो मुझे जनरली 25-30 में पड़ती है डिस्काउंट का। और मैं खरीदता हूँ नेस्कैफे 2 रुपए का सेशन। ओ अमन भाई भी लाइक अपन भी ऐसे ही है। ब्रो डिड व्हाट वाज एग्जैक्टली टोल्ड। वो चिल खड़ा भाई कह रहा अपने को फर्क नहीं पड़ता यार, तुम्हारा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आई एक्चुअली डोंट केयर ब्रो, मुझे सिर्फ एक ही फोकस है मेरा, वो है तुम्हारी अच्छी खासी वीडियो बनाने में। मैं तुम्हारी वीडियो बनाता रहूंगा ब्रो। ओहो तो तूने वीडियो बनाने के पैसे बोला ना। ट्रॉफी है सामने वो जिनके पास वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है, बॉल गई हवा में और ये आउट। भाई क्या हो रहा है 2024 में? 2024 has been so much unexpected, मतलब पता ही नहीं चला जीवन में हुआ क्या है। कभी कुछ कभी कुछ। आजकल मैं इंस्टाग्राम खोलता तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में सिर्फ एक ही चीज दिखती है, वड़ा पाव वाली गर्ल। एक लड़की है वो वड़ा पाव बेच रही है और वो मेरे रील इंस्टाग्राम पे आई जा रही है, आई जा रही है, आई जा रही है। और भाई वो जब भी इंस्टाग्राम पे आती है वो बदतमीजी कर रही होती है या रो रही होती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई क्या चीजें वायरल हो रही है। फिर वो आ रही है कह रही है मैं दूंगी तो 4 ही वड़ा पाव दूंगी, फिर कहती है मैं पैकिंग नहीं दूंगी। उसके बाद वो लड़की तो अलग ही चल रही थी, फिर एकदम से एक लड़का आ गया 12 साल का, वो कहता मैं भी बड़ा पाव बेचता हूँ। वो लड़की बेच के 50 रुपए का बड़ा पाव, मैं बेचता हूँ 20 रुपए का बड़ा पाव। पर भाई अब इनके बीच में कंपटीशन हो गया, वो कह रही है मेरा बड़ा पाव अच्छा, वो कह रहा है मेरा बड़ा पाव अच्छा। अरे बड़ा पाव ही तो है, मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया 2024 में इतनी सारी चीजें देख के भाई। आई स्वेयर मैंने तो फोन साइड में रख दिया, मैंने आधी से ज्यादा एप्स डिलीट कर दी है, सोशल मीडिया डिटॉक्स पे चला गया हूं, अपना काम करने का, घर जाने का, खाना खाने का, सो जाने का, बचानी लाइफ। मैं वैसे हिसाब लगा रहा था वो वड़ा पाव वाली लड़की अगर 50 रुपए का वड़ा पाव बेचती है तो इसने अगर 5 रुपए पर वड़ा पाव अगर पुलिस को भी खिला दिए, काट के काट का खर्चा इधर उधर का खर्चा खड़ा हो गया, 40 रुपए भी बचते हैं, तो वो लड़की महीने के 40 रुपए के हिसाब से अगर दिन के 1000 वड़ा पाव बेच रही है और महीने के 30,000 वड़ा पाव बेच रही है तो 12 लाख रुपए समथिंग कमा रही है भाई, सिर्फ वड़ा पाव बेच बेच के। सही है, कर रहे हैं हम, थोड़ा रिकंसिडर करना पड़ेगा, वड़ा पाव बेचना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर किसी को मेरा वड़ा पाव वाला आइडिया बढ़िया लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलो पढ़ाई लिखाई करो, बड़ा पाव बाद में बेच लेना, ये तो मैं तुम्हें एक आइडिया बताता। चलो मजाक करो, जाओ पढ़ाई लिखाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ाई लिखाई, उसके बाद जो मर्जी करना, ठीक है? ओके बाय, टाटा, लव यू गाइस, बाय। एग्जैक्टली पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। लाइफ में कुछ भी करो लेकिन पढ़ाई ज़रूर करो, लाइक भी करो और सब्सक्राइब कर दो, इसके लिए पढ़ाई नहीं लगती तो सब्सक्राइब कर दो बस। मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, कई बार क्या होता है कि रिएक्शन वीडियो लेट हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उसके अंदर क्या होता है कि कई बार बहुत ज़्यादा, अब जैसे पीछे काफ़ी सारे गाने आ गए, एल्बम आ गई, अब उस बीच में मैं अगर रिएक्शन भी डाल दूंगा ना ये वाला, तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, रिएक्शन को कोई बेनिफिट होगा ना, चैनल को कोई बेनिफिट होगा ना, ही वो आप लोगों तक, इवन आधे लोगों को तो नोटिफिकेशन भी नहीं जाती उस दौरान, तो इसलिए थोड़ा डिले होता है लेकिन आता ज़रूर है। फुकरे का रिएक्शन मैं मिस नहीं करता हूँ, डोंट वरी। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, विल सी यू इन अनदर वीडियो गाइस। जय हिंद।